हेलो जी, गोबलोकर का नमस्कार। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, इस समय केदारनाथ धाम में है, जो मौसम सुबह के टाइम पर साफ ही रहती है ज़्यादातर, और दोपहर बाद यहाँ पर मौसम बदल जाता है और दोपहर बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। और दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ पीछे है रेतस कुंड। यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से पानी से जो है बुलबुले निकलते हैं। चलिए मैं आप सभी को रेतस कुंड भी दिखा देता हूँ। तो बाबा जी, रेतस कुंड का क्या महत्व है? जय भोले करने से बुलबुला छोड़ते हैं। तो रेतस कुंड का महत्व यह है कि यहाँ पर जय भोले बोलने से पानी के बुलबुले निकलते हैं। चलिए, अच्छी बात। ठीक है, तो मैं आप सभी को अब रेतस कुंड दिखाता हूँ। आप सभी खुद देखिए, यहाँ जय भोले बोलने से किस प्रकार पानी के बुलबुले निकलते हैं। हर हर भोले, हर हर भोले, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसा कि देखा आपने रेतस कुंड का रहस्य, और अगर आप सभी भी केदारनाथ धाम आते हैं तो रेतस कुंड के पास जरूर जाएं और वहां पर ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाकर पानी के बुलबुले निकलते हुए आप सभी जरूर देखें।